देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 71वां जन्मदिन है। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर एक बार फिर भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय पीएम मोदी को देश विदेश से मिले उपहारों को नीलाम कर रहा है। नीलामी की प्रक्रिया ई ऑक्शन के तहत आयोजित होगी, जिसमें कोई भी भाग लेकर बोली लगा सकता है। नीलामी राशि नमामि गंगे प्रोजेक्ट को समर्पित कर दी जाएगी। 4 अमेरिकी सांसदों ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मांग की है कि वे तालिबान को विदेशी आतंकी संगठन घोषित करें। सांसद जॉनी के आर्नस्टोन, टॉमी ट्यूब्रोविले, रिक स्टॉक और डैन सलिवान ने ब्लिंकन से कहा कि तालिबान अमेरिकियों और उनके हितों को नुकसान पहुंचा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में हो रहे शंघाई सहयोग संगठन समिट को शुक्रवार को वर्चुअली संबोधित किया। मोदी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मौजूदगी में कट्टरपंथ पर तीखा हमला बोला। मोदी ने कहा, मेरा मानना है इस क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौतियां शांति, सुरक्षा और भरोसे की कमी से संबंधित हैं और इन समस्याओं का मूल कारण बढ़ता हुआ कट्टरपंथ है। अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रम ने इस चुनौती को और स्पष्ट कर दिया है। इस मुद्दे पर एससीओ को इस पहल पर कार्य करना चाहिए। अभिनेता सोनू सूद के घर और दफ्तर समेत 6 ठिकानों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेट लगातार तीसरे दिन भी जारी है। सूत्रों ने दावा किया है कि आईटी डिपार्टमेंट को इस छापेमारी में पर्सनल फाइनेंस से जुड़े एक मामले में टैक्स की गड़बड़ी की जानकारी मिली है। शूटिंग के लिए सोनू ने जो पैसे लिए थे उनमें भी अनियमितताएं मिली हैं। इसके बाद इनकम टैक्स विभाग सोनू के चैरिटी फाउंडेशन के अकाउंट की जाँच भी कर रहा है। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान का अपना दौरा रद्द कर दिया है। न्यूजीलैंड सरकार की ओर से जारी सुरक्षा अलर्ट के बाद यह फैसला लिया गया। न्यूजीलैंड की टीम 18 साल बाद बीते शनिवार को पाकिस्तान पहुंची थी। कांग्रेस ने आगामी यूपी विधानसभा चुनावों के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया है। जितेंद्र सिंह की कमेटी के अध्यक्ष दीपेंद्र एस हुड्डा और वर्षा गायकवाड़ को इसका मेंबर बनाया गया है। महासचिव प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा, पार्टी के यूपी प्रमुख अजय उल्लू, सीएलपी नेता आराधना मिश्रा मोना भी इसके सदस्य होंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को कहा कि भारतीय रेलवे ने कौशल विकास योजना शुरू की है। इस योजना के तहत 50,000 बच्चों को रिमोट एरिया में अलग अलग स्किल की ट्रेनिंग दी जाएगी। उन्होंने बताया कि दूर दराज के इलाकों में अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए हम मोबाइल स्किल ट्रेनिंग यूनिट्स भी बनाएंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा 18 सितंबर से शुरू होगी। तीर्थ यात्रा पर से प्रतिबंध हटाने के नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले के बाद राज्य सरकार ने यात्रा की तैयारी शुरू कर दी है। कोरोना के चलते 28 जून को इस पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई थी। दिल्ली पुलिस ने बताया कि शिरोमणि अकाली दल के नेताओं के हिरासत में लिया गया है और उन्हें संसद मार्ग पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा है। अकाली नेता केंद्र के 3 कृषि कानूनों के 1 साल पूरे होने पर नई दिल्ली में विरोध मार्च निकाल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 40 जिलों में 20 घंटे की लगातार बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं। प्रदेश में बारिश से जुड़े हादसों में 26 लोगों की मौत हो चुकी है। भारी बरसात के चलते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 दिनों तक स्कूल कॉलेजों को बंद रखने का फैसला किया है। शुक्रवार, शनिवार, रविवार यानी 3 दिन स्कूल बंद रहेंगे।